स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर उमेश बंसोड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जेएम पटेल कॉलेज भंडारा, महाराष्ट्र. इन टुडेज लास्ट लेक्चर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, रोमियो एंड जूलियट. आज के इस पार्ट में हम रोमियो एंड जूलियट के कहानी के आखिरी पड़ाव को समझने का प्रयास करेंगे. रोजेलिन से मिलने की चाहत में बिन बुलाए कैपलेट्स के बैंक्वेट में रोमियो तो जहाँ पर पहुंचा, पर उसके नजर पड़ी जूलियट पर. वो जूलियट से प्यार कर बैठा. दोनों ने एक दूसरे से वादा किया उम्र भर साथ निभाने का, और चोरी से छिपकर मोनेस्ट्री में जाके फ्रायर लॉरेंस के साथ मिलकर उन्होंने, रोमियो और जूलियट ने मोनेस्ट्री में शादी कर ली. पर दूसरे दिन सुबह आते आते टैबल के साथ जो विवाद हुआ उसमें मर्किशो की जान चली गई और रोमियो के हाथ से टैबल मारा जाता है, और इसका परिणाम होता है कि रोमियो को हमेशा के लिए प्रिंस ऑफ वेरोना ने बेदखल कर दिया है वेरोना शहर से, और मोंटियो में जाकर उसको छुपना पड़ा. पर फ्रायर लॉरेंस दोनों प्रेमियों को एक दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं, पर एक रास्ता उन्होंने निकाला. एक जड़ी बूटी, एक दवाई, एक मेडिसिन उसने उन्होंने जूलियट को दे दी जो 42 घंटे तक असर करने वाली थी. शादी के दिन बुधवार के, शादी के एक दिन पहले गुरुवार के पहले वेडनेसडे को उसने इस दवाई को पी लिया, और 42 घंटे के बाद में ये दवा असर दिखाने वाली थी. जब वो उठ के खड़े हो जाएंगी, रोमियो उसके बगल में खड़ा होगा, और फिर वो हमेशा के लिए मोंटियो चले जाएंगे. इस प्रकार का एक प्लान फ्रायर लॉरेंस ने दोनों को मिलाने के लिए बनाया था. उसके कहने के अनुसार जूलियट ने उस दवा को पी लिया. जब पेरिस शादी करने के लिए अपनी दुल्हन को लेने के लिए आया, तो कैपुलेट्स ने मरी हुई जूलियट को उसके बिस्तर पर पाया, और सारा शादी का माहौल मातम में बदल गया. जूलियट को मृत समझकर दफन कर दिया गया. इसके आगे क्या रोमियो वापस आ पाता है? क्या रोमियो और जूलियट की मुलाकात हो जाती है? क्या दवा ने सही असर किया था? वगैरह वगैरह बहुत सारे सवालों को जानने के लिए इस आखिरी अंतिम कहानी के पड़ाव को समझना जरूरी है. बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्टर देन गुड. शेक्सपियर कहते हैं, अच्छी खबरों से जल्दी बुरी खबरें फैल जाती है. द न्यूज ऑफ जूलियट्स डेथ एंड बरियल रीच्ड रोमियो इन मैंटुआ बिफोर द मैसेंजर सेंट बाय फ्रायर लॉरेंस. फ्रायर लॉरेंस ने एक दूत को तो भेजा था खबर लेके, पर उसके पहुंचने के पहले ही जूलियट के मर जाने की और उसको दफन करने की खबर रोमियो के पास मैंटुआ पहुंच गई. He fell into deepest despair. वो निराश हो गया. And in this hopeless state, he remembered the poor chemist whose shop he had once passed. और फिर इसी दुख भरी अवस्था में उसने उस दुकानदार केमिस्ट को याद किया जिसके दुकान के सामने से वो कभी गुजरा था. ये केमिस्ट कौन था? He had noted the empty bottle standing on the dirty shelves and had thought the chemist is so poor that he would be ready to sell poison to anyone who could pay him well. रोमियो को पता ही नहीं जूलियट के साथ क्या हुआ, और उसकी मौत की खबर सुनने के बाद में जूलियट ने उस पुअर केमिस्ट के दुकान में जाकर जहर खरीदने का इरादा कर लिया. जहर बेचना भी गुनाह समझा जाता था उस जमाने में. ऑल्दो द सेल ऑफ पॉइजन वाज पनिशेबल बाय डेथ. जो जहर पिएगा वो तो मरने ही वाला है, पर जहर बेचने वाले को भी मौत की सजा का प्रोविजन था. द केमिस्ट ईगली एक्सेप्टेड रोमियोस गोल्ड. पर पैसे का लालच देकर उस गरीब केमिस्ट से रोमियो ने जहर खरीद लिया. He sold him some poison strong enough to kill 20 men. ये बहुत पावरफुल जहर उसने खरीद लिया था जिसके द्वारा 20 लोगों की मौत हो सकती थी. रोमियो सेट आउट फॉर वेरोना, और जहर के साथ में रोमियो वेरोना के लिए निकला था. वेरोना आना खतरे से खाली नहीं था. पहले ही प्रिंस ऑफ वेरोना ने ऐलान कर दिया कि वेरोना में अगर रोमियो दोबारा पाया गया तो मौत की सजा दे दी जाएगी. पर जूलियट के मरने के बाद में जिक्र करना भी क्या था. He intended to see his dear lady in her tomb and after which he would take the poison and die by her side. वो एक बार कब्र में
जूलियट को देखना चाहता था, फिर जहर पीकर उसी के बगल में वो अपनी जान दे देगा। ही रीच्ड द चर्चयार्ड एट मिडनाइट, मध्यरात्रि के बीच में वो कब्रिस्तान पहुंच गया एंड मेड हिज वे टू द एंशिएंट टॉम्ब ऑफ द कैपलेट्स, और कैपलेट्स की जो पुरानी टॉम्ब थी, कब्रगाह थी, वहां पर पहुंच गया। ही हैड ब्रॉट ए लाइट विथ हिम एंड सम टूल्स, कब्र खोदने के लिए कुछ औजार वो अपने साथ लेके आया था, रोशनी के लिए भी कुछ लाया था। इंस्टेंटली ही सेट आउट टू वर्क टू ब्रेक ओपन द टॉम्ब, और फिर तुरंत ही उसने कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया। स्टॉप एविल मॉन्टेग्यू, अ वॉइस रैंग आउट शार्पली। जैसे ही किसी ने उसको देख लिया, एक तीव्र आवाज उसके कानों पर टकराई, रुक जाओ एविल मॉन्टेग्यू। इट वॉज काउंट पैरिस, वो काउंट पैरिस था जो शादी करना चाहता था जूलियट के साथ में। हु हैड कम टू ब्रिंग फ्लावर्स टू जूलियट, खुद फूल लेके आया था जूलियट के लिए, एंड टू वीप एट हर टॉम। पर ही रिकग्नाइज रोमियो एंड सपोज दैट ही हैड कम देयर फॉर सम इविल पर्पस। रोमियो को पेरिस ने पहचान लिया था और उसको अंदाजा हुआ था कि शायद वो कुछ गलत काम करने के लिए यहाँ पर आया है, किसी गलत उद्देश्य से आया है। क्रिमिनल, ही शाउटेड एंड ट्राइड टू सीज हिम, गुनेगार हो तुम, और ऐसा कहकर पेरिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की। रोमियो ड्रू हिज सॉर्ड एंड स्टक हिम डेड, पर रोमियो पहले ही गुस्से से पागल था, उसने तलवार निकाली और पेरिस की वहां पर हत्या कर दी। अब पेरिस भी मारा गया रोमियो के हाथ से। बाय द लाइट ऑफ हिज लैंटर्न रोमियो रिकग्नाइज पेरिस, द ब्राइड ग्रूम चोजन फॉर जूलियट बाय हर फादर। He took the young man's hand in his hair, in his brother called him gently, the death of Juliet, their common grief he had made in them brothers, and he opened the tomb and placed Count Paris inside it. फिर जैसे तैसे करके उसने कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद में वहां से जूलियट की बॉडी को निकाला और पेरिस की बॉडी को उस कब्र में उसने डाल दिया। ही लुक्ड लॉन्ग एट जूलियट, जैसे ही जूलियट की बॉडी को वहां से निकाला, वो कई कुछ देर तक उसको देखता रहा। शी ले देयर इन परफेक्ट ब्यूटी, उसी खूबसूरती के साथ जूलियट वहीं पर पड़ी हुई थी, अनटच्ड बाय डेथ। ऐसा लग रहा था कि मौत उसको छू भी नहीं पाई। हर कजिन टैबिट ले एट हर साइड, रोमियो स्पोक टू हिम कॉलिंग हिम कजिन एंड बेगिंग हिज फॉरगिवनेस। टैबिट की लाश वहीं पर थी और वो उसे माफी मांग रहा था। He said the last farewell to his dear wife and gave her a last kiss. अपनी प्रिय पत्नी को हमेशा के लिए अलविदा कहने के लिए वो यहाँ पर आया था, उसको चूमा, and he then drank poison and died instantly. जूलियट को मुर्दा समझकर उसको आखिरी बार किस किया, जहर पी लिया, और जहर पीते ही रोमियो तुरंत वहां पर मौत को प्राप्त हो गया। रोमियो की भी जान चली गई। In the meantime, Friar Lawrence had learned that his messenger had never reached Romeo. इस दरमियान फ्रायर लॉरेंस को पता चलता है कि जिस दूत को उसने भेजा था वो रोमियो के पास पहुंचा ही नहीं, एंड एक्सीडेंट ऑन द रोड हैड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो। रास्ते में बीच में एक एक्सीडेंट हो गया था और वो पहुंच ही नहीं पाया दूत। द गुड ओल्ड मैन हिमसेल्फ देयरफॉर वेंट टू द चर्चयार्ड एट द टाइम व्हेन ही एक्सपेक्टेड जूलियट टू वेक। इसलिए फ्रायर लॉरेंस खुद ही उस चर्चयार्ड में पहुंच गया उस समय जब उसको लग रहा था कि जूलियट अभी जाग जाएगी, उस दवाई के असर से बाहर आ जाएगी। और आश्चर्य क्या हुआ, टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड अ लाइट बर्निंग इन द टॉम्ब ऑफ द कैपलेट्स। कैपलेट के कब्र में एक दिया जल रहा था, रोशनी का उजाला वहां पर दिख रहा था। एंड ही एंटर्ड टू हिज टेरर फाउंड पेरिस एंड रोमियो लाइंग देयर डेड। और जैसे ही फ्रायर लॉरेंस ने कब्र में प्रवेश किया, पेरिस की डेड बॉडी और रोमियो की डेड बॉडी वहीं पर उसको दिखी। ही ऑलमोस्ट फेंटेड, उस वो चक्कर आकर गिर ही गया था उस शॉक के कारण। देन केम जूलियट्स फेंट वॉइस सेइंग, रोमियो वेयर इज रोमियो। इतने में जूलियट की जागने की आवाज आई। दवा ने बराबर असर किया था और वो मध्यम आवाज में, फेंट आवाज में बुलाने लगी, रोमियो कहाँ हो तुम रोमियो। जूलियट वॉज अवेक नाउ बट हर रोमियो वॉज डेड। जूलियट तो जाग गई थी पर उसका रोमियो हमेशा के लिए सो गया था। देयर केम द साउंड ऑफ क्राइज एंड शाउट्स, चिल्लाने की और रोने की आवाजें आने लगी। पीपल वर कमिंग, लोग आ रहे थे। सुन दे वुड सी द फ्रायर विद टू डेड बॉडीज, और फ्रायर ने
दोनों डेड बॉडी को वहां पर देखा, दे वुड थिंक दैट द फ्रायर वॉज द मर्डरर आउट ऑफ हिस माइंड विद फ्रायर एंड फ्रायर रैन अवे। जैसे उसने देखा कि दोनों की डेड बॉडीज वहां पर है तो वो वहां से डर कर भाग गया। लोग समझेंगे कि उसने उन दोनों का मर्डर किया है। जूलियट सॉ रोमियो लाइंग देयर डेड। जूलियट की आंख जैसे ही खुली उसने देखा कि रोमियो मरा हुआ पड़ा है वहां पर। द फियाल दैट हेल्ड द पॉइजन वॉज नियर। जिस फियाल में जहर रखा हुआ था वो वहीं पर था और उसने देखा शिट्टू के था। उसने वो जहर उठाया इंटेंडिंग टू ड्रिंक दैट व्हाट वॉज लेफ्ट, और जो भी बचा खुचा जहर था वो पीने का वो प्रयास करने लगी। बट नन वॉज लेफ्ट, पर जहर कुछ भी नहीं था। ईगरली शी किस्ड द लिप्स ऑफ हर लवर होपिंग टू फाइंड सम पॉइजन देयर। वो रोमियो के होंठों को चूमने लगी, शायद जहर की कुछ बूंदे वहां पर हो तो उसे पीकर वो भी अपनी जान देना चाहती थी। देन शी टुक हिज सॉर्ड एंड थ्रस्ट इट थ्रू हिज हार्ट। पर उससे भी काम नहीं बना तो उसने तुरंत रोमियो की तलवार ली और अपने सीने के आर पार कर दी। और शी फेल डेड ओवर रोमियोज बॉडी, और वहीं पर उसने अपनी जान भी दे दी। द नेक्स्ट मोमेंट द सिटी गार्ड्स वेयर इन द टूम। दूसरे ही पल सिटी के गार्ड वहां पर पहुंच गए थे। काउंट पेरिस सर्वेंट्स हु हैड सीन रोमियो किल हिज मास्टर एंड हैड रन टू फेच देम। रोमियो को पेरिस को मारते हुए उन्होंने देखा था, तो कुछ नौकर वहां पेरिस के प्रिंस को बुलाने के लिए, वेरेना के प्रिंस को बुलाने के लिए भी चले गए थे। एंड द शाउट्स ऑफ द गार्ड्स हैड अवेकेंड द सिटी। गार्ड के चिल्लाने खट से पूरा वेरोना शहर जाग गया था। द न्यूज़ सून स्प्रेड एंड द स्ट्रीट्स वर फिल्ड विद क्राइज ऑफ रोमियो एंड जूलियट। इस खबर हवा की तरफ फैल गई थी और सारे शहर के रास्तों पर रोमियो जूलियट और काउंट पेरिस के नाम से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। द शाउट्स हैड अवेकेंड ओल्ड लॉर्ड मॉन्टिग्यू एंड ओल्ड लॉर्ड कैपुलेट। शोर इतना ज्यादा हो रहा था कि मॉन्टिग्यूज और कैपुलेट्स भी जाग गए थे। दे केम रनिंग टू द चर्च यार्ड। दौड़ते हुए आए, जाग तो गए थे पर देर हो गई थी जागने के लिए शायद। द प्रिंस ऑफ वेरेना जॉइंड देम। और इतने में वेरेना के प्रिंस भी वहां पर आकर पहुंच गए थे। मोर एंड मोर पीपल फॉलोड। बहुत सारे लोग वहां पर आकर पहुंच गए। देन द गार्ड्स ब्रॉट द फ्रायर टू द प्रिंस। गार्ड ने फ्रायर लॉरेंस को पकड़कर वहां लाया। दे हैड कॉट हिम एज ही वाज लीविंग द चर्च यार्ड। जैसे वो चर्च यार्ड छोड़कर भाग रहा था, ट्रेम्बलिंग एंड वीपिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज वे, थर थर कांप रहा था, रो भी रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था। द प्रिंस कमांडेड द फ्रायर टू टेल व्हाट ही न्यू ऑफ द टेरिबल ट्रेजेडी। इस भयानक हादसे के बारे में, इस घटना के बारे में फ्रायर क्या जानते हैं, प्रिंस ने आदेश दिया वेरेना के, और वो जानना चाहते थे कि हुआ क्या है। द फ्रायर टोल्ड स्टोरी टू द पॉइंट वेयर ही हैड फाउंड रोमियो एंड पेरिस डेड इनसाइड द टॉम। जिस समय पेरिस को और रोमियो को उसने मृत देखा, वहां से उसने कहानी को बताना शुरू कर दिया। फर्दर ही कुड नॉट गो। आगे वो कह नहीं पाया। द रेस्ट ऑफ द स्टोरी वाज टोल्ड बाय द काउंट ऑफ पेरिस सर्वेंट्स एंड देन बाय रोमियोस। फिर रोमियो के नौकर ने और पेरिस के सर्वेंट्स ने बाकी के शेष कहानी को बयां किया। द फॉर्मर टोल्ड अबाउट द फाइट बिटवीन द मास्टर एंड रोमियो। द लेटर हैंडेड अ लेटर फ्रॉम रोमियो टू हिज फादर। और फिर एक खत जो पिता के लिए लिखा गया था वो खत उसने दिखाया। दिस लेटर टोल्ड द सीक्रेट मैरिज ऑफ रोमियोस इंटेंशन टू पॉइजन हिमसेल्फ इन जूलियट्स टॉम। और उस खत में इनके सीक्रेट मैरिज का भी जिक्र था, कैसे छुपकर उन्होंने शादी कर ली थी और जूलियट के टॉम में घुसकर किस प्रकार से उसने जहर पीने का प्रयास किया। द फ्रायर वॉज द शोन टू बी इनोसेंट ऑफ द मर्डर। उस खत से इस बात को जाहिर कर दिया था कि फ्रायर लॉरेंस का उसमें कोई दोष नहीं था, और जूलियट की जान जाने के कारण रोमियो ने भी अपनी जान दे दी थी जहर पीकर। When the prince had heard the full story of the tragedy, he turned to the old Lord Capulets and Montagues and blamed them for their quarrel. जब प्रिंस ऑफ वेरेना को इस बात का पता चला तो उन्होंने लॉर्ड कैपुलेट्स और मॉन्टिक्यूस को देखा और दोनों को दोषी दोष दिया। इन झगड़े के कारण, इनके विवाद के कारण ही दिन दोनों के, रोमियो और जूलियट की जान चली गई थी। दिस ट्रेजेडी इज योर फॉल्ट,
ये जो ट्रेजेडी हुई है ये तुम्हारा दोष है एंड यू आर पनिशमेंट, और यही तुम्हारे लिए पनिशमेंट भी है, ही सेड स्टर्नली। दोनों ने अपने अपने बच्चों को गवा दिया था। द टू ओल्ड एनिमीज वर फिल्ड विद रिमोर्स, पर पछतावे के अलावा अब मॉन्टिग्यूज और कैपलेट्स के पास कुछ नहीं था। दे एग्रीड टू बरी देयर क्वारल इन द ग्रेव ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की कब्र में उन्होंने अपने विवाद को भी दफन करने का फैसला किया। ब्रदर दे कॉल्ड ईच अदर नाउ, लॉर्ड मॉन्टेग्यू सेड दैट ही वुड इरेक्ट स्टैच्यू ऑफ जूलियट। मॉन्टेग्यू कहने लगे कि वो जूलियट का एक सोने का बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाएंगे, एंड हिज एनिमी सेड दैट ही वुड इरेक्ट एन इवन फाइनर स्टैच्यू ऑफ रोमियो, और कैपुलेट्स कहने लगे कि वो रोमियो का स्टैच्यू बनाएंगे। पुतले तो बनते रहेंगे पर जिंदा लोगों की जान चली गई। दे वर फ्रेंड्स नाउ, वो दोस्त तो बन गए, बट देयर चिल्ड्रन हैड टू डाई टेरिबल डेथ्स, पर उनके बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी टू ब्रिंग अबाउट दिस हैप्पी रिजल्ट। कहानी का अंत तो अच्छा हुआ, पर इस बीच में रोमियो और जूलियट की, दो प्यार करने वाले की जान चली गई। आज भी ऑनर किलिंग के नाम पर प्यार करने वालों को मारा जाता है, उनकी जान ली जाती है। शेक्सपियर की इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो 16वीं शताब्दी की नहीं 22वीं शताब्दी की कहानी बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा विलियम शेक्सपियर की एक बेहतरीन ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।